हेलो दोस्तों, मैं संदीप, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मॉक टेस्ट हिंदी का। दोस्तों, हिंदी के हम टोटल 37 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता कि आपके जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के एग्जाम लगे हुए हैं। 19 दिसंबर को इसके पेपर होने सुनिश्चित हुए दोस्तों, तो उसी के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट है दोस्तों, आपका प्रीवियस ईयर पेपर है किसका, यूपी पुलिस का। तो आप खुद ही जान सकते हैं दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और ये 18 जून 2018 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का दोस्तों। तो उसके हम टोटल जो 27-37 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों हिंदी के, तो वो हम पूरे पूरे सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको अपना पूरा स्कोर भी शेयर करना है दोस्तों, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं दोस्तों, ठीक। तो ये भी आपको बताना है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हमारा कहाँ शुरू होगा, 39 से, क्योंकि 38 तक जीएस था। वो जीएस वाला वीडियो हम कल बना देंगे दोस्तों, ठीक है। अब आज देखते हैं हम हिंदी का सॉल्व करेंगे। तो हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं, 39 से लेकर 75 क्वेश्चन तक हमारे पूरे 37 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में रि की मात्रा का उपयोग नहीं हो दोस्तों। तो आपको पता है रि क्या होती है दोस्तों, ऋषि की मात्रा कैसे रहती है, जो ये नीचे लगती है इस तरह से, ठीक। वो क्या होती है ऋषि की मात्रा, तो किसमें उपयोग में हुआ है दोस्तों। देखिए क्रिया में ये आपका रि नहीं है दोस्तों, ये आपका रा रथ है दोस्तों। यहाँ भी ये रा रथ है आधा वाला, और यहां पे रा रथ है, मगर इसमें क्या है, री है दोस्तों। तो हमारा किसमें, वृष्टि में आपका री की मात्रा यूज हुआ है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, इच यसा नाम तालु दोस्तों। आपने सुना होगा ई, बड़ी ई, चा वर्ग वाले हैं, चा चा छा जा, ठीक, चा छा जा दोस्तों, और या यग और सा सलीफा, ये क्या होते हैं दोस्तों, तालव्य होते हैं दोस्तों। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ताल हो जाएंगे। चलिए 40 हो गया। अब 41वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से में रा व्यंजन नहीं दोस्तों। देखिए आपको बताना है कौन से में रा व्यंजन नहीं। देखिए इसने निशान लगा रखा, मगर इसने भी गलत कर रखा दोस्तों, क्योंकि इसको ये नहीं पता था दोस्तों कि त्रा जो होता है ता और रा से मिलकर बनता है दोस्तों, क्योंकि इसमें रा हमेशा होता है, त्रा में रा हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें मात्र में भी है दोस्तों, मूर्धा में तो ये आपको रा दिख ही रहा है, क्रम में भी ये रा आपको दिख ही रहा, मगर मातृभूमि में कोई भी रा नहीं है दोस्तों, इसमें री की मात्रा है दोस्तों। तो ये आपको दिखाएंगे हम, जो भी इसमें आपको रेड क्रॉस मिलेगा वो जरूरी है कि सही ऑप्शन हो दोस्तों, सही ऑप्शन हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इसमें कोई भी रा की मात्रा यूज नहीं हुई दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता, कौन सा संज्ञा का भेद नहीं होता दोस्तों। आपको पता है संज्ञा कितने भेद होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं, ठीक। तो इसमें से निजवाचक कोई संज्ञा नहीं होती दोस्तों, निजवाचक कोई संज्ञा ही नहीं होती दोस्तों, ठीक है। निजवाचक क्या होता है दोस्तों, सर्वनाम होता है, ठीक दोस्तों, सर्वनाम होता है निजवाचक, मगर संज्ञा नहीं होते दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है 43 नंबर, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है दोस्तों। देखिए आपको पुल्लिंग वाला शब्द बताना कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। वचन, हानि, प्यास और बचत। देखिए इनको हम बोल के देखते हो दोस्तों, हानि होती है दोस्तों, हानि होती है, क्या होगा, स्त्रीलिंग हो गई, प्यास लगती है, बचत की जाती है दोस्तों, ये सब क्या स्त्रीलिंग है, वचन दिया जाता है, ठीक, वचन दिया जाता है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग हो जाएगा दोस्तों। अगला है सदा ही प्रयोग बहुवचन में होता है, किसका प्रयोग सदा ही बहुवचन में किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। घर, प्रत्येक, दर्शन या फिर मुनि दोस्तों। तो किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन होता है दोस्तों, आपको बता दें, दर्शन, आंसू, ठीक, प्राण, ये सब क्या होते हैं, हमेशा इनका प्रयोग बहुवचन में होता है दोस्तों। और आप लोग गलती मत करना कि प्रत्येक को बहुवचन में लगा दे, प्रत्येक हमेशा एक वचन में यूज होता है दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आपको भी याद रखनी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मोहन, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य के रेखांकित शब्द में। देखिए हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, ये बहन को पुस्तक देता है, इसमें रेखांकित है दोस्तों। तो इसमें कौन सा कारक होगा, देखिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म नहीं होगा दोस्तों, संप्रदान होगा, के लिए या को या के लिए दोस्तों, किसी को देने वाली बात जब की आती है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है दोस्तों। इसने क्या कर रखा है, गलत बता रखा है दोस्तों, तो ये कर्म नहीं होगा, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। चलिए अगला देखते हैं। क्या आप घर भी जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द में आप क्या है दोस्तों, यहाँ पर रेखांकित शब्द जो है आप क्या है, तो आपको पता है दोस्तों क्या होता है, वो सर्वनाम होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उन्हें हम सर्वनाम बोलते हैं। अगर पूछ लेता है इसमें भी क्या है दोस्तों, तो भी आप बता सकते हैं क्या है, तो चलिए हम बताते हैं ये क्या हो सकता था दोस्तों, निपात, भी क्या है, निपात, क्योंकि देखिए भी इस सेंटेंस पर जोर डाल रहा है। आप क्या आप घर जाएंगे, ये भी कह सकते हैं, मगर हमने कहा क्या आप घर भी जाएंगे दोस्तों, तो भी क्या करता है दोस्तों, निपात करता है, किसी भी चीज पे क्या करता है, बल देता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है दोस्तों, रेखांकित शब्द में क्या है दोस्तों, धार्मिक क्या दोस्तों,
क्या है? विशेषण है। देखिए व्यक्ति क्या है? विशेष है दोस्तों, और विशेष की विशेषता क्या है? व्यक्ति की विशेषता क्या है? तो धार्मिक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण हो जाएगा दोस्तों। रेखांकित वाक्य कौन सा होगा? विशेषण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। अब तद्भव मतलब क्या? हिंदी वाला। क्या दोस्तों? हिंदी वाला। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? हिंदी वाला दोस्तों। तो देखिए यहां पर क्या है? कपूर। कपूर ही तो क्या है? तद्भव शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है दोस्तों। इसका कपूर का तत्सम क्या होगा? कर्पूर होता है दोस्तों। क्या? कर्पूर। ठीक, ये होता है कर्पूर दोस्तों। ये क्या होगा? हिंदी वाला शब्द है दोस्तों। तो यही हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। सब कुछ कौन जानता है? जिसको सब कुछ पता हो, क्या होता है दोस्तों? सर्वज्ञ होता है। क्या? सर्वज्ञ मतलब सब कुछ। और बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला दोस्तों। अल्पज्ञ तो जो अल्प जानता हो दोस्तों, ठीक, उसे अज्ञ जो जानता ही ना हो दोस्तों। तो सर्वज्ञ मतलब क्या? सब कुछ जानने वाले को हम सर्वज्ञ कहते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 50वां नंबर। देखिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उत्थान शब्द का विलोम होगा। देखिए उत्थान क्या होता है? उत्थान मतलब उठना, तो पतन मतलब क्या होता है? गिरना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा? उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट होगा ए ऑप्शन। ठीक, पतन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। देवता का क्या पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? ये आपको बताना है। सुर होता है दोस्तों, अमर भी होता है, देव भी होता है, सुधाकर नहीं होता दोस्तों। क्या होता है? सुधाकर नहीं होता दोस्तों। और सुधाकर किसका होता है ये आप बता सकते हैं क्या? सुधाकर किसका पर्यायवाची है ये बता सकते हैं दोस्तों? तो बता दें आपको, देखिए सुधाकर किसका होता है? वो चंद्रमा का होता है। सुधा मतलब क्या होता है? ठीक, सुधाकर। सुधाकर किसका होता है? चंद्रमा का होता है दोस्तों। और देवता के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाते हैं दोस्तों? आपने देखा देव, अमर, सुर, विबुध, निर्जन, है ना? तो ये सब किसके हैं? देवता के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है दोस्तों। कौन सा सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है दोस्तों? देखिए अनिल, अनल बिल्कुल इंपॉर्टेंट दोस्तों। अनिल मींस क्या होता है? हवा, और अनल मींस क्या होता है? आग दोस्तों। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। अली अली मोर सखी दोस्तों। अली अली मतलब क्या हो जाएगा? मोर सखी दोस्तों। ठीक है, देखिए अली अली मतलब मोर सखी दोस्तों। ये क्या सही है दोस्तों? देखिए दोस्तों ये भी क्या है? गलत है दोस्तों। क्या गलत है? देखिए अली मतलब मोर है तो दोस्तों अली मतलब होता भंवरा दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? गलत है दोस्तों। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? गलत है। अगला देखते हैं। आदि आदि आरंभ और अभ्यस्त। जी बिल्कुल सही है दोस्तों। जलज और जलद। जलज मीन्स क्या होता है? जल में उत्पन्न दोस्तों क्या हो जाएगा? कमल। और जलद मीन्स क्या होता है दोस्तों? बादल होगा, समुद्र नहीं होगा दोस्तों। इसमें दो ऑप्शन गलत हो गए दोस्तों आपके, बी और डी दोस्तों। तो इसमें आपको बताना, इसमें जो भी ऑप्शन आपने लगाए होंगे दोस्तों आपको पूरे नंबर मिले होंगे। देखिए यहां पर क्या गलत है? अली मतलब क्या होता है दोस्तों? भंवरा होता है। इसमें मोर कर दिया, ये भी गलत है दोस्तों। और यहां पर जलद मीन्स क्या होता है? जल को देने वाला, अर्थात कौन? बादल हो जाएगा दोस्तों। यहां पर समुद्र कहा गया दोस्तों। तो दो ऑप्शन इसमें गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता, तो पत्र का अर्थ क्या नहीं होगा दोस्तों? ये आपको बताना दोस्तों। ठीक है, तो पत्र का क्या अर्थ नहीं होगा दोस्तों? तो देखिए पत्ता भी होता है, पत्र में पंख भी होता, और पत्र लिखना मतलब चिट्ठी भी लिखना होता, और लेख नहीं होता दोस्तों। लेख लिखने का प्रकार है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदैव में कौन सी गुण होगी? सदैव में सदधन एव। क्या होगा? सदधन एव दोस्तों। सदैव में क्या हो जाएगा हमारा? वृद्धि संधि। देखिए हमने पहचानने के लिए ट्रिक बताई थी दोस्तों, आपने संधि की देखी होगी। तो यहाँ पे दो मात्राएं हैं ये वाली, तो क्या हो जाएगा हमारा? वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या होगा? प्रतिधन एक। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिधन एक। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्येक में प्रति क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। और अगर बात करते हैं प्रत्येक में समास कौन सा होगा दोस्तों, तो आपको पता है क्या? जहां पर प्रति उपसर्ग लगता है वहां पर कौन समास होता है? अव्यय भाव समास। ठीक, क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास। और प्रत्येक अगर संधि विच्छेद पूछते कौन कैसे होगा, तो प्रतिधन एक। और कौन सी संधि होगी इसमें अगर ये पूछ लेता दोस्तों, तो हमारा कौन सा हो जाता? यण संधि। कौन सा? यण संधि। और यण संधि पहचानने की ट्रिक आपको पता होगी दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है, तो क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक, विज्ञान प्लस इक दोस्तों, क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल राइट होगा, इक दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। बहुत दिनों बाद दिखना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत दिनों बाद दिखना दोस्तों क्या होता है? कोसों दूर होना, बिल्कुल गलत। गुदड़ी का लाल होना असाधारण व्यक्ति होता है दोस्तों। ईद का चांद होना, दी बिल्कुल सही बोलते हैं, ईद का चांद होगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत दिनों बाद दिखना, ईद का चांद होना। चलिए 57 नंबर हो गया, अब चलते हैं 58 नंबर की तरफ।
देखिए 58 नंबर क्वेश्चन का है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मतलब कहीं का ठौर ठिकाना ना होता। कहते नहीं आप न घर के हैं न घाट के हैं, मतलब कहीं का ठौर ठिकाना ही हर जगह से भगा दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए दोस्तों। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कृष्ण जी के अनेकों नाम है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, शोभना बहुत मीठा गाती है दोस्तों, मैं अभ्यास कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें देखिए अशुद्ध वाक्य छांटना दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपके लिए कई सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं दोस्तों। क्या देखिए यहां पर आपको कई चीजें मिलेंगी दोस्तों समझने को और सीखने को भी, तो इसमें सही ऑप्शंस छांटना आपको। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी पूरी तरीके से गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ये पूछा था कि शुद्ध कौन सा है, तो केवल हम अगर अशुद्ध की जगह शुद्ध पूछता दोस्तों तो ज्यादा अच्छा होता दोस्तों। तो हमारा शुद्ध क्या होता? मैं अभ्यास कर रहा हूं, यही केवल शुद्ध आंसर है, बाकी सब गलत है। और किस लिए गलत वो हम आपको डिफाइन करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्या है? कृष्ण जी के अनेकों नाम। देखिए आपको कहीं भी अनेकों शब्द दिखता है उसे देखते ही गलत कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अनेकों कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, एक होता है शब्द। एक का जो अगर हम बनाते हैं क्या बहुवचन, तो अनेक होता, तो अनेक खुद ही बहुवचन, तो अनेक का बहुवचन नहीं बन सकता, अनेकों गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। अगला देखिए ये क्यों गलत है दोस्तों, बी नंबर कि पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है दोस्तों। यहां पे है किया गया दोस्तों, मगर पुस्तक क्या एक वचन है, तो क्रिया हम है नहीं करेंगे, है होता दोस्तों। देखिए इस पे ध्यान से देखिए, इसमें बिंदी लगी है दोस्तों, इसलिए ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, यहां पुस्तकें बहुत ही उपयोगी होती हैं फिर सही होता, मगर पुस्तक एक वचन तो इसके साथ में एक वचन क्रिया का उपयोग करेंगे, यहां पर है होना चाहिए था, है नहीं दोस्तों। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला है शोभा बहुत मीठा गाते हैं। देखिए गाने के लिए हम मीठा शब्द प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहां पे क्या होना चाहिए? मधुर। शोभा बहुत मधुर गाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर इसके लिए आपने किया होगा तो इसका पूरा पूरा नंबर दिया गया होगा आपके लिए दोस्तों। ठीक, तो इसमें आप समझ गए होंगे। अगर सही पूछता तो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही जाता दोस्तों। कौन सा? मैं अभ्यास कर रहा हूं, यही केवल बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सद्भावना में समास दोस्तों। सद्भावना, सद मतलब क्या होता है? अच्छी, और भावना मीन्स भावना दोस्तों। जहां पर किसी चीज की क्या विशेषता बताई जाए दोस्तों, वो हमारा कर्मधारय समास होता है दोस्तों। ठीक, अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान होगा, तत्पुरुष में क्या होता है? कारक चिन्ह होगा दोस्तों। द्विगु में क्या होता है? पहला शब्द संख्यावाचक दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुदित मनोहर मानस देखा दोस्तों। मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें मां मां की आवृत्ति कई बार आई दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या था दोस्तों? आपको पता होगा वीर का क्या गया था? उत्साह बढ़ाया था। क्या? उत्साह बढ़ाते हैं वीर का दोस्तों। ठीक है, तो वीर रस का हो जाएगा उत्साह दोस्तों। और रथ किसका होता है? प्रेम का दोस्तों। रथ किसका? श्रृंगार रस का, रथ या प्रेम होगा दोस्तों। और शोक किसका होता है? आपका करुण रस का दोस्तों। और क्रोध रौद्र का दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामनी दमक रही घनवाही खल कै प्रति जथा थित नाही, इसमें छंद कौन सा होगा दोस्तों? ये आपको बताना है दोस्तों, कौन सा छंद होगा ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए इसमें हम क्या मात्रा लगा के देख लेते हैं दोस्तों, समझ में आ जाएगा खुद ही अपने आप से। देखिए दामनी, दामनी में कितने? दो हो गई, दो हो गई। फिर मिनी में क्या? एक एक, तो चार हो गए। एक पाँच, एक छः, एक सात और एक आठ, और दो आठ, दो दस, एक ग्यारह, बारह, और यहाँ पे दो हो जाएंगे, बारह दो चौदह और दो सोलह। तो सोलह मात्राएं आ गई दोस्तों। हमें पता है कि सोलह सोलह मात्राएं जहाँ भी आ जाएंगे दोस्तों, वो हमारा क्या होगा? चौपाई होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हमारा क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा चौपाई दोस्तों। देखिए दोहा में क्या होता है? तेरह ग्यारह मात्राएं होती है, तो दोहा में यहाँ पर तेरह ग्यारह मात्राएं पाई नहीं गई, और सोलह इसका उल्टा होता है, ग्यारह तेरह, तो दोस्तों यहाँ भी नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? चौपाई बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। इस तरह से हम मात्राएं गिन करके इनका पता, छंद का पता लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य संज्ञा का उदाहरण। भाववाच्य का उदाहरण क्या होगा दोस्तों? ये आपको बताना। देखिए भाववाच्य में क्या होता है दोस्तों? हमेशा और हमेशा क्या होती है? जो आपकी क्रिया होगी दोस्तों, वो एक वचन और पुरुष वर्ग होगी। ठीक, एक वचन होगी, ठीक, और पुल्लिंग होगी दोस्तों, और इसमें हमेशा थर्ड पर्सन की बात की जाती है दोस्तों, और यहाँ पर नकारात्मक होता है दोस्तों। अब चला जाए दोस्तों, ये क्या है? अब चला जाए, इसमें क्या है? कर्मवाच्य है दोस्तों। रवि आम चूसता है दोस्तों, इसमें क्या है? कृतवाच्य है। मोहिनी पत्र लिखती, इसमें कृतवाच्य है दोस्तों, मगर इसमें क्या है दोस्तों? आपका भाववाच्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रिया क्या है? शिला क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है, मगर इसके साथ में हम क्रिया को स्त्रीलिंग ना करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमेशा और हमेशा क्रिया क्या होती है दोस्तों? भाववाच्य में पुल्लिंग ही होती है दोस्तों, और लगभग लगभग नकारात्मक का बोध होता है दोस्तों। तो शिला से खाया नहीं जाता दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है 65 नंबर। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है दोस्तों? तो देखिए यहां पर हम देखते हैं चिन्ह कौन से लगे हैं दोस्तों, यही हम देख लेते हैं कि इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है। ये चिन्ह है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम अवतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवतरण बोलते हैं और उद्धरण बोलते हैं, दो चीजें इसको हम बोलते हैं। अब जो भी ऑप्शन मिल जाएगा वही हम लगा देंगे। और एक चीज और, ये उद्धरण जो है दो प्रकार का होते हैं, एकल उद्धरण भी होता है, कहीं कहीं एक लगता है दोस्तों, और कहीं कहीं दो लग रहे हैं दोस्तों, तो ये कहा दोहरा उद्धरण है, दोहरा
अवतरण है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये हमें उदाहरण मिल रहा है, तो यही सही हो जाएगा दोस्तों। पूर्ण विराम का दोस्तों आपको पता होगा ऐसा चिन्ह लगता है, अल्प विराम का ऐसे लगता है दोस्तों, ये हो जाएगा, और प्रश्नवाचक का ऐसे लगता है दोस्तों। तुम्हारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, उदाहरण दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय होगा दोस्तों, तो कौन सा अव्यय है दोस्तों? नहीं, क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं जो है वो आपका अव्यय, अव्यय क्या होता है दोस्तों? जहां पर लिंग वचन कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन ना हो दोस्तों, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वही क्या होता है दोस्तों? आपका अव्यय होता है दोस्तों। तो इसने काम गलत बताया दोस्तों। काम क्या है दोस्तों? ये एक वर्क है दोस्तों, ठीक, कर्म है दोस्तों, मगर क्या हो जाएगा हमारा? नहीं शब्द क्या है, यही क्या है आपका? अव्यय है। अव्यय के कितने भेद होते हैं दोस्तों? चार मुख्यता होते हैं, क्रिया विशेषण, विस्मयाद बोधक, संबंध बोधक और निपात दोस्तों, ठीक, और निपात दोस्तों, ठीक। तो ये लगभग पांच भेद होते हैं आपके अव्यय के जो दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए उत्तरों का आपको आंसर भी करना दोस्तों। इसको देखिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, क्या करेंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और इसके फिर हम आंसर आपसे पूछने वाले दोस्तों, तो उसका भी जवाब आपको देना। तो चलिए हम धीरे धीरे चलाते जाते हैं दोस्तों, ये देखिएगा आराम आराम से ये हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक, इसको देखिएगा। अब देखिए बच्चे ने घड़ी क्यों देखी दोस्तों, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी दोस्तों? इसका सही ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों। क्योंकि उसे घड़ी अच्छी लगती है, रेल के आने का समय हो रहा था, या घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, या रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे जब आएंगे दोस्तों, ये लिखा है बालक ने घड़ी देखी, क्यों घड़ी देखनी, क्या किस लिए देखी? क्योंकि क्या है कि दोस्तों उसने सोचा कि अगर गाड़ी आएगी तो गुजरेगी दोस्तों, ठीक, तो ये हो सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि जो गाड़ी की नज़र के लिए, ठीक, गाड़ी आने के लिए उसको समय देख रहा था दोस्तों, ठीक, तो गाड़ी के आने का समय हो रहा था, इसीलिए वो क्या कर रहा था, वो घड़ी देख रहा था दोस्तों। तुम्हारा सही दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेल के आने का समय हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता था बच्चे की सूझबूझ का, बेवकूफ़ी का, शरारती का, या फिर असावधानी का। दोस्तों उसने कमीज हिला करके जो है रेल को रोक दिया था दोस्तों, क्योंकि ट्रेन क्या थी, पट्टी क्या थी, खराब थी दोस्तों, इसलिए इसके सूझबूझ के बारे में बताया जा रहा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया दोस्तों? रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? क्योंकि गाड़ी लेट हो गई थी, या फिर बच्चे की जिंदगी का सवाल था, या फिर उससे अपनी नौकरी की चिंता थी, या ड्राइवर को अपनी जान की खतरा लग रहा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कि रेल ड्राइवर का क्रोध क्यों आया दोस्तों? इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, उसके बच्चे की जिंदगी का सवाल था दोस्तों, किसके बच्चे की जिंदगी का सवाल था। अगला है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया दोस्तों? क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव, या निंदा का भाव? तो आपको पता है दोस्तों, अगर कोई किसी की जान बचाएगा तो क्या होगा दोस्तों? उसको शाबाशी देने का ही भाव उत्पन्न होगा दोस्तों, ठीक है। 70 नंबर हो गए। अगला 71 नंबर क्या है, लोगों की जान बचाने का कार्य करने के लिए किस गुण को प्रकट करता है दोस्तों? पराहित, त्याग, धैर्य, या उत्साह दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? परहित दोस्तों। क्या होता है परहित? सरस धर्म नहीं कोई दोस्तों, है ना, परहित मतलब क्या, दूसरों के हित में काम करना दोस्तों, परहित कहलाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर हो गया। 72 नंबर देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उर्वशी का रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, या फिर महादेवी वर्मा दोस्तों? कौन है दोस्तों उर्वशी के रचनाकार कौन है दोस्तों? आपको बता दें, यहाँ पर देखिए उर्वशी, ये क्वेश्चन भी आपके किसका था दोस्तों? बहुत ही डाउटफुल था। देखिए वैसे तो आपको पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर ही हैं उर्वशी के, हम भी मानते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनको ही इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। मगर दोस्तों आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद ने भी उर्वशी नामक रचना लिखी दोस्तों, उनकी भी उर्वशी रचना दोनों लोगों ने लिखी दोस्तों, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन किया गया था दोस्तों। तो आपको पता होगा अगर हम इस बिहार पे मांगते कि किसको ज्यादा प्रसिद्धि है दोस्तों, तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्यादा प्रसिद्धि है, उन्होंने इनके लिए उन्हें क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों, ठीक। मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप लोग जानते होंगे, महादेवी वर्मा क्या बोलते हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि आदमी क्योंकि मीरा बोलते हैं, ठीक। तो उर्वशी आप लोग बताइएगा कि किसको आप किसको मान रहे दोस्तों, वैसे दोनों लोगों ने उर्वशी नामक रचना लिखी है दोस्तों। अगला है, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है दोस्तों? प्रेमचंद की, जैनेन की, अज्ञेय की, नागार्जुन की दोस्तों? किसकी है दोस्तों ये आपको बताना, तो किसके दोस्तों? प्रेमचंद जी की। चलिए अगला है, 74 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए जाएगा दोस्तों? बहुत बार बता चुके दोस्तों, किसके लिए? यामा के लिए दोस्तों, इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, किसके लिए? यामा के लिए दोस्तों, ठीक। अगला देखते हैं, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? अज्ञेय जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो ये चीजें आपको बताना है दोस्तों, तो किसके लिए देगा? तो आप बता दें किसके लिए देगा, कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों? किसके लिए, कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों इन्हें क्या देगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों, ठीक है। किसको दिया गया? अज्ञेय जी को दोस्तों। तो ये आप लोगों को याद रखिएगा। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों, इसमें बहुत से क्वेश्चन रॉन्ग भी हमें दिखाई दिए हैं दोस्तों। तो देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे दोस्तों, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।